आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर मॉनिटरिंग है जारी। डीएम ने कहा, अभी भी किया जा रहा है राशन किट का वितरण, डेंगू और जल जनित बीमारियों के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सीएम योगी द्वारा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में स्थापित दिग्विजयनाथ के प्रतिमा के अनावरण व कार्यक्रम स्थल का एडीएम सिटी सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण, तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। धर्मशाला बाजार से तरंग क्रॉसिंग के बीच हुए रेल भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कर रही है काम। गाटा नंबर 428 की जा चुकी है पैमाइश, एसडीएम सदर और सीपीआरओ ने कहा, जल्द की जाएगी कार्यवाही। 16 अगस्त को सीएमएस कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5,28,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने लिया रिमांड पर, लूट का 10,000 रुपया किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि के साप्ताहिक समारोह के तहत बुधवार को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। कहा, गो माता हमारी यज्ञ संस्कृति की प्रतीक, भारत देश से नाता है, गो हमारी माता है। बागवानी फसलों की जागरूकता के लिए किसान प्रोत्साहन कार्यशाला का किया गया आयोजन, किसानों को दी गई तकनीकी खेती की जानकारी, उद्यान मंत्री ने कहा, शासन की योजनाओं से किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली अप्रेंटिस रोजगार मेला संबंधित बैठक, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक दक्ष बनाकर उनको रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। जनपद में डेंगू और मलेरिया ने दी दस्तक, एक मरीज डेंगू तथा 2 मिले मलेरिया के मरीज, सीएमओ ने कहा, अपने आसपास दे सफाई पर विशेष ध्यान, बचे जल जनित बीमारियों से। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत एसपी सिटी ने रामगढ़ताल थाने पर लगाया चौपाल, फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, चौपाल में मारपीट व धोखाधड़ी से संबंधित मामले आए सामने, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, शेष मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में रॉकेट लर्निंग ग्रुप ई पाठशाला क्रियान्वयन पर आधारित कार्यशाला का किया गया आयोजन, बीएससी ने कहा, शासन स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कर टीम भावना के साथ कार्य कर जनपद को बनाया जाए प्रेरक जनपद। महानगर के वार्ड नंबर 12 जनप्रिय बिहार कॉलोनी में निर्मित दिग्विजयनाथ स्मृति प्रवेश द्वार का 23 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल लोकार्पण और पार्क का शिलान्यास, तैयारी पूरी। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 34 केंद्रों पर 8,620 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, प्रथम डोज लेने वालों में 4,641 और सेकंड डोज लेने वालों में 3,979 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने बताया, जनपद में अब तक कुल 24,40,000 से अधिक लोगों को किया जा चुका है कोविड का वैक्सीनेशन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। राप्ती नदी के तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट और प्रभु श्रीराम घाट का नगर निगम ने कराया सफाई, नगर आयुक्त ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित घाट पर लोग उठा सकते हैं मनोरंजन का लुफ्त। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410, अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 10 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार सभी अवतारों में है श्रेष्ठ, इन दोनों का नाम लेने से हो जाता है सभी 24 अवतारों का स्मरण। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन के 6 दिन कथा व्यास ने कहा, राम सूर्य है तो कृष्ण चंद्रमा, राम दिन का प्रतिनिधित्व तो कृष्ण करते हैं रात का प्रतिनिधित्व, दोनों के नाम का स्मरण करने से होते हैं सभी दुख दूर। और जिले की सभी नदियां पहुंची खतरे के निशान से नीचे, राप्ती पहुंची 67 सेंटीमीटर नीचे, एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा चुका है 1,24,412 पैकेट राहत खाद्यान्न किट का वितरण, स्थिति है सामान्य।